हाँ स्टार्ट कर दो। बोल रहा है हम कब से अलर्ट पे हैं, आए नहीं अभी तक। सर स्टार्ट हो गया सर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर एक अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है, और 30 साल तक अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। यह कोयला अडानी को नहीं दिया गया, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की,
कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं? 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं? क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और ये जो खुलासा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है? इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। यह अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, यह काला धन 42,000 करोड़ का यह नरेंद्र मोदी जी का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में लगा है। इसलिए भाजपाइयों, बौखलाओ मत, चिल्लाओ मत, संबित पात्रा जी एक एक बात का जवाब दो, क्यों तुमने सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनियों के ऊपर अधिग्रहण किया? क्यों तुमने ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला खुलने के बाद भी किसी प्रकार की जांच या जेपीसी की जांच शुरू नहीं कराई और उससे भाग रहे हो? क्यों आखिर प्रधानमंत्री के मुंह से इस अडानी घोटाले पर अब तक अडानी का आ भी नहीं निकला? ये सारे सवाल देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद।